Hello guys, welcome back to my new vlog. And today I came up with this beautiful painting of Telangana, Andhra Pradesh, which is the Nirmal paintings. So let's have a look how these paintings look alike. So this is what the Nirmal painting look alike. Now the Nirmal art form has been in existence from the early 14th century and was patronized by the Kartikeya dynasty and the Deccan Nawabs. तो ये जो पेंटिंग है वो काफ़ी पुरानी पेंटिंग है. ये जो पेंटिंग्स हैं वो 14th सेंचुरी से चली आ रही हैं और आज भी ये पेंटिंग्स जो है वो बनती हैं. इस पेंटिंग्स को बनाने के लिए, इस पेंटिंग्स को कुछ प्रैक्टिस करने के लिए कुछ ऐसे ग्रुप्स ऑफ आर्टिसंस हैं जिनको नकाश बोला जाता है, हु ट्रेडिशनली यूज टू मेक रिलीजियस फिगर्स बट हैव शिफ्टेड इन 17th सेंचुरी टू यूटिलिटी आइटम्स like jewelry, trinket box, ganjifa boxes, playing cards and khanchewa. तो ये जो paintings हैं इनमें पहले जो है वो पहले हमारे जितने भी होली epics हैं उनके जितने भी characters हैं वो इस painting में बनाते थे. और जैसे रामायण है, महाभारत है, तो इन सब के जो characters हैं वो इन paintings में दिखते थे. But after 17th century इन्होंने थोड़ा अपने paintings को modify किया और अब आजकल ये पेंटिंग्स में आपको फिगर्स मिल जाएंगे और जितने भी हमारे फ्लोरा एंड फौना हैं या एनिमल्स हैं तो ये सब भी इन पेंटिंग्स में आजकल देखने को मिलता है. नाउ द कलर्स यूज इन दीज पेंटिंग्स, स्पेशली द फेमिलियर गोल्ड कलर्स प्रोड्यूस्ड इंडिजिनियसली फ्रॉम एक्सट्रैक्ट्स ऑफ हर्ब, गम, वेजिटेबल डाई एंड मिनरल्स. द कैनवस यूज इज ऑयल टेम्पर्ड हार्डवुड एंड द फ्रेम इज टीक. सबसे पहले ये कैनवस को प्रिपेयर करते हैं जिसमें ये 7 coats ऑफ पुट्टी को अप्लाई करते हैं. देन दे ट्रेस आउट द थिंग कि उनको क्या बनाना है और फिर उसके बाद उसको पेंटिंग करते हैं और उसके बाद उसमें ऑर्नामेंटेशन और एम्बेलिशमेंट्स करते हैं डिटेलिंग के लिए. तो इस तरीके से ये पेंटिंग को जो है वो ये बनाया जाता है. और दिस इज ऑल अबाउट निर्मल पेंटिंग. इट इज़ वन ऑफ द beautiful paintings in India and yeah, this is all about it and I hope you like the information. So please like, share and subscribe my channel and thank you and let's get started. So today I am going to paint on this DIY coaster that I made from this cotton linen fabric. It is of blue color. So yeah, let's get started. Thank you.